बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ग्वादर पाकिस्तान का मुआशी गेटवे है जो इस मुल्क के मुआशी हालात चंद सालों में बदल सकता है। इस शहर को एक तरफ समंदरी रास्तों के जरिए मशरिक वस्ता और दीगर खित्तों के साथ मिलाया जा चुका है और दूसरी तरफ चीन के शहर काशगर के साथ ज़मीनी रास्तों के जरिए मिलाया जा चुका है और इस मद में तीन रूट बनाए गए जिनमें से एक पंजाब से होते हुए ग्वादर पहुंचता है। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहरा खिजदार रोड, जिसको बसीमा खिजदार रोड और NHA की ज़ुबान में N30 भी कहा जाता है, ये मुकम्मल हो चुकी है। जी हाँ, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत बलूचिस्तान में 106 किलोमीटर की ये अहम लिंक रोड मुकम्मल कर ली गई, जिससे पंजाब और मुल्क के दीगर शुमाली हिस्सों से ग्वादर जाने वाली ट्रैफिक के लिए फासला कम हो जाएगा। NHA अथॉरिटी ने 11.7 अरब रुपए की लागत से 106 किलोमीटर तवील बसीमा खिजदार रोड यानी N30 पर काम मुकम्मल कर लिया है, जो चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मनसूबे का हिस्सा है। इस वक्त शाहरा पर हल्की और हैवी दोनों तरह की ट्रैफिक चल रही है। N30 बसीमा में होशाब सौराब हाईवे यानी N85 को खिजदार के करीब रतोडेरो ग्वादर मोटरवे M8 से जोड़कर पंजाब और सिंध के शुमाली हिस्सों से ग्वादर जाने वाली ट्रैफिक के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला कम कर चुकी है। CPEC के मगरबी रूट के असल मंसूबे के मुताबिक M8 सिंध में रतोडेरो को ग्वादर से मुंसलिक करता, ताहम M8 होशाब और खिजदार के दरमियान शाहरा जेर तामीर है, लिहाजा N85 इस वक्त ग्वादर को पंजाब और सिंध से जोड़ता है। N85 पहले ही कराची चमन हाईवे यानी N25 के जरिए M8 से मुंसलिक था, ताहम इन गाड़ियों को बसीमा से सौराब तक 150 किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता था और फिर खिजदार पहुंचने के लिए N25 पर 90 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इसके बजाय नई सड़क N85 को M8 से बराह रास्त लिंक फ्राहम करती है और ट्रैफिक को बसीमा से खिजदार की तरफ मोड़ती है। तवक्को है कि इस लिंक से बलूचिस्तान के सबसे कम तरक्की याफ्ता जिला में मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। इससे न सिर्फ राबते की हैसियत बहाल होगी बल्कि मुकामी लोगों को अपनी ज़रई मसनूआत को बेहतर कीमत के लिए पंजाब मुंतकिल करने में भी मदद मिलेगी। याद रखें, खिजदार बलूचिस्तान के अहम तीन अजला में से एक है। बलूचिस्तान के तीन अजला खिजदार, कलात और आवारान पूरे मुल्क के लिए अहमियत के हामिल और तारीख के एतबार से मुनफरिद मुकाम रखते हैं। इन अजला में सुकूनत पजीर लोग, जोग्राफियाई हदूद, मुहल वकू, कुदरती और मादनी वसाइल, बनावट, कदीम सकाफती तर्ज अमल की वजह से हमेशा तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ की कुदरती झील, फलक बोसो संगलाख पहाड़ जहाँ खूबसूरत हैं, वहीं मादनी वसाइल से लबरेज भी हैं। खूबसूरत वादियों का नज़ारा, दिलकश और दिलफरेब सियाहती मकामात, खाइयाँ, गार, दर्रे और साफ पानी, बहती आबशारें यहाँ की खूबसूरती को पूरी दुनिया में आलो इरफा बना देती हैं। इन अजला के तारीखी पस मंज़र और कुदरती लैंडस्केप की अपनी अलग पहचान है। खिजदार को 1974 में जिला का दर्जा मिला, इससे कबल ये कलात जिला में शामिल था। खिजदार शहर नेशनल हाईवे N25 पर वाकया है, जिसे उर्फ़े आम में RCD हाईवे यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट हाईवे का नाम दिया जाता है, जो कि इलाकाई तावुन बराए तरक्की तंजीम के नाम से मंसूब है। ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को मिलाने के लिए एक माहदे के तहत बनाई गई थी। अब NHA के नंबर शुमार में इसे N25 कहा जाता है। खिजदार सिंध के दारुल हुकूमत कराची से 300 जबकि रतोडेरो से 259 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। M8 शाहरा खिजदार को रतोडेरो सिंध से लिंक करती है, जिसकी तामीर पहले ही मुकम्मल हो चुकी है और आमदोरफ्त और तिजारत के लिए इस्तेमाल हो रही है। N30 खिजदार बसीमा शाहरा की तामीर भी अब मुकम्मल है। M8 और N30 दोनों शाहराहें CPEC का हिस्सा हैं। ये CPEC का सेंट्रल रूट यानी वस्ता रूट कहलाता है। ये शाहराहें खिजदार से लिंक होकर गुजरती हैं। इन शाहराहों के नेटवर्क के बायस खिजदार ग्वादर के बाद CPEC के लिए दूसरा मरकज और गेटवे साबित होने वाला है। खिजदार जिला मुनफरिद तारीखी हैसियत इसलिए भी रखता है कि यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में सहाबा कराम रजवानुल्लाह अजमाइन तशरीफ लाए। इन सहाबा कराम में से एक सहाबी सनान बिन सलमान रजी अल्लाह ताला खिजदार में दफन है। इसी तरह का जिला कलात अहम है। कलात को क्याम पाकिस्तान से महज 6 साल बाद यानी 1954 में जिला की हैसियत मिली। कलात का पुराना नाम कैकान था। जिला कलात की आबादी 4,69,000 और रकबा 6,621 मुरबा किलोमीटर है। कलात जिला भी नेशनल हाईवे N25 पर वाकया और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 142 किलोमीटर की दूरी पर है। CPEC का मशरकी रूट होशाब सौराब से होता हुआ जिला कलात को लिंक कर रहा है। कलात जिला को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि क्याम पाकिस्तान के फौरन बाद इसी मुकाम पर पाकिस्तान से बलूचिस्तान का इल्हाक हुआ था और यहाँ बानिय पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह को मेहमानी का शरफ देकर उन्हें सोने में तोला गया था। खिजदार, कलात, आवारान के पहाड़ों में कुदरत के अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। खिजदार में मार्बल, क्रोमाइट, बेराइट,
लिड एंड जिंक समेत दीगर कीमती धातें मौजूद हैं। खजदार की जमीन पैदावार के लिहाज से भी जरखेज है। यहाँ तमाम इकसाम की अजनास, फलों और सब्जियों की पैदावार होती है, जबकि यहाँ की जमीन काटन की काश्त के लिए मौजू है और यहाँ के लोग काटन काश्त करके अच्छी खासी आमदनी हासिल करते हैं। यहाँ ज़राअत के बाद लोगों का इन्हिसार ज्यादातर गल्लाबानी पर है। गल्लाबानी से वाबस्ता लोग पहाड़ी और देही इलाकों में रहायश पजीर हैं, जहाँ वो अपनी भेड़ बकरियों से दूध, मक्खन, पनीर और गोश्त हासिल करते हैं। खजदार में मुतअद्दिद तफरीही मुकामात और आबशारे हैं, जिनमें काबिले जिक्र मूला चटोक का तफरीही मुकाम है, जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सियाह यहाँ तफरीह के लिए आते हैं। रोड नेटवर्क का बनना अहम तरजीहात होनी चाहिए और इस सूरत में इन इलाकों को काफी तरक्की दी जा सकती है। खजदार में माइनिंग समेत दीगर वसाइल के वसी तर जखायर मौजूद हैं। यहाँ मार्बल सिटी का क्या अमल में लाया जाए, मार्बल सिटी बनने से यहाँ न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि इससे मईशत को भी सहारा मिल सकेगा। इन अजला में लाइफ स्टॉक बड़ी अहमियत का हामिल है। मालदारों की फलाह बहबूद के लिए खसूसी पैकेज दिया जाए और मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी नस्ल के भेड़ बकरी गाय पालने के लिए उन्हें फ्राहम की जाए और मजीद मुख्तलिफ इलाकों में इन जानवरों के फार्म्स बनाए जाए ताकि लाइफ स्टॉक का शोबा मजीद तरक्की करे। खजदार में कॉटन की काश्त और जैतून के दरख्त लगाने के लिए मुकामी काश्तकारों को शऊर आगाही दी जाए। महकमा ज़रात और तौसीअ ज़रात के महकमे पहले से कायम है, इनको वाज़ेह पॉलिसी और प्रोग्राम दिया जाए ताकि वो जैतून के दरख्त लगाने के अमल को पूरे डिस्ट्रिक्ट में वसत दें और इसे कमाई का जरिया बनाए। खजदार बलूचिस्तान का तीसरा बड़ा ज़िला है, जहाँ काफ़ी सर्दी पड़ती है। कुदरती गैस की सहूलत ना होने की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि ईंधन के लिए वो दरख्तों को काट कर इस्तेमाल कर रहे हैं। खजदार में कुदरती गैस की सहूलत देकर यहाँ के आवाम की दारीना ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। खजदार रतोडेरो शाहरा के वंगोहल पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह जाती है। यहाँ टनल बनाने को तरजीहात में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस रास्ते पर सफर में मजीद आसानी पैदा हो। खजदार के चारों तरफ पहाड़ी इलाकों में आबशारें और तफरीही मुकामात हैं, इनको टूरिज्म का मुकाम देकर यहाँ काफ़ी आमदनी हो सकती है। अब यहाँ खजदार रोड की तामीर के बाद काफ़ी तब्दीली मतवक्के है। नाजरीन, आप खजदार रोड यानी N30 बसीमा खजदार रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।